तो हेलो मेरे आईबीएस वाले दोस्तों भाइयों, आप लोगों को तो गाली देने का मन कर रहा होगा ना कि ये साला हंस रहा है। यार सच में गाली दे दो यार, कोई बात नहीं सुन लूंगा मैं, क्योंकि मैं भी आईबीएस वाला था और मेरे को 1 साल हो गए थे हंसा नहीं, तो अभी मैं कुछ दिनों से हंस रहा हूँ बहुत। कोई मेरे को गाली भी दे रहा है ना तो मैं हंस रहा हूँ, आप भी हंसो वजह हो ना हो हंसो। चलिए कोई बात नहीं, मेडिकल साइंस में एक छोटा सा वर्ड है ये आईबीएस, भगवान जाने क्या है ये मर्ज है कि नहीं है ये मुझे पता ही नहीं चला। मैं बात आगे बोलूं उसके पहले मैं थैंक्स 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 1,00,000,1 करोड़ बार बोलना चाहता हूं विकास भैया को, जिनके वजह से मैं आज हंस रहा हूं, खा रहा हूं, सो रहा हूं और मेरे डोले सोले भी आ रहे हैं। ये सब गायब हो गए थे भाई साहब, उसको बोलते हैं ना वाट लग गई थी, मेरा काम, मेरा बिजनेस, सब कुछ, दोस्त यार सब छूट गए थे। पेट के सारे टेस्ट करा करा के मैं थक चुका था, कुछ नहीं निकलता था। डॉक्टर्स एलोपैथ वाले जो हरी पीली नीली जितनी दवाएं बोलते थे वो खाता था, आयुर्वेद के दुनिया भर के चूरन चटनी सब खा लिया, कुटजा रेस्ट, लिफ 52, कुमारी आसो, अभी गिनाने लगूँ तो 4 बुक भर जाएगी, इतनी दवाएं खाई मैंने 1.5-2 साल में, बट कुछ नहीं हुआ। तो भला हो मेरे एक फ्रेंड का, उसने विकास भाई का नंबर दिया, मैंने उनसे बात करा, उन्होंने मेरे को बताया भाई तुम बीमार हो ही नहीं, पहली बार किसी ने मुझे कहा कि तुम बीमार नहीं हो। नहीं, मेरे को तो सब बीमार बना दिए थे, कोई कोई तो बोला कि भाई इसको भूत वूत हो गया है, झाड़ फूक भी शुरू हो गई थी। लेकिन थैंक यू विकास भाई, इन्होंने मुझे गाइड किया, मेडिसिन बताई और 3 महीने जाते जाते मैं 100% ठीक हो गया। आज आप लोगों के सामने हूँ और ये वीडियो बना रहा हूँ। तो मेरे आईबीएस वाले भाइयों, यार डरो मत, सच में तुम बीमार नहीं हो। और ये जो व्यर्थ की दिमाग में खिटपिट चल रही है ना वो निकाल दो, कि उसके पास बंगला है, मेरे पास छोटा घर है, उसके पास ऑडी जगुआर है, मेरे पास बाइक है। अरे वो जगुआर वाला भी साला ऐसे ही जाने वाला है, कफन का जो ना उसमें कोई ब्रांड नहीं होता है। तो जो है जितना है उसमें खुश रहो यार, क्योंकि ये जो आईबीएस है ना ये पेट वेट में नहीं है, ये इधर है, ये आप जिस दिन समझ जाओगे उस दिन ठीक हो जाओगे। क्योंकि पेट जो हमारा है वो सेकेंड ब्रेन है, अगर ब्रेन आपका रेस्टलेस है तो लीवर ऑलरेडी रेस्टलेस हो जाएगा, दिमाग में आपके डर है तो आपको लूज मोशन लग जाएगी। इसलिए मेडिटेशन करो, ध्यान करो, मौज मस्ती करो, खुश रहो। बाकी के लिए विकास भाई हैं, इनसे आप संपर्क करो, ये जो बताते हैं आप उसको फॉलो करो, आप ठीक हो जाओगे, डरो मत। 1.5 साल तक मैं इस आईबीएस के महाजाल में फंसा था, मेरा वेट लॉस होता रहा होता रहा होता रहा, मैं कुछ खाता नहीं था, ब्लोटिंग होती थी, गैस बनती थी, बुखार हो जाता था, कुछ समझ ही नहीं आता था। लेकिन इन्होंने बताया कि भाई बीमारी तुम्हारे पेट वेट में नहीं है, तुम उसके चक्कर में मत पड़ो, तुम ठीक हो। और उसके बाद से मैंने मेडिसिन, पहले दिन से ही मुझे आराम मिलना शुरू हुआ और मैं बिल्कुल फिट फाट हो गया, पुरानी ज़िंदगी वापस आ गई, जीने लगा हूँ मैं। ये देखिए डोले सोले भी मेरे आ रहे हैं अभी आपके भी आ जाएंगे यार। तो थैंक यू विकास भैया, आपने यार मुझे एक नई ज़िंदगी दी। मुझे लगता था मैं तो ठीक ही नहीं हो पाऊँगा, और बहुत सारे आईबीएस वाले मेरे भाई बहन यही सोचते होंगे, लेकिन डरो मत, विकास भाई अपना है, वो सबको ठीक करेगा। और विकास भाई आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, बहुत नेक काम कर रहे हो, आपने बहुत लोगों को गाइड किया है, उनकी हंसती खेलती ज़िंदगी को वापस पटरी पे लाया है, जो बेचारे परेशान थे, दुखी थे, और उनमें से एक मैं भी हूँ, जो अभी मेरा धंधा काम सब मैं वापस आ गया, चल रहा है। तो इसी तरह से आप ये नेक काम करते रहिए, हम सब आपके साथ हैं। थैंक यू, धन्यवाद।